अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना हम साढ़े के साढ़े नेस्टिंग बॉक्स लगाएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि कल का ना हमारा ये सामान भी आया पड़ा हुआ है। जल्दी से दोस्तों हम ना अपनी बर्ड्स की अवेयरी का काम भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले ना अपने साढ़े के साढ़े पैट्स को ना डाइट वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि ये काम तो हमारे साथ साथ होते ही रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हमने ना अपने सुल्तान को खोला हुआ है। जल्दी से दोस्तों सुल्तान के साथ साथ ना सब पैट्स को भी खोल देते हैं। कबूतरों के केज में दोस्तों मैं आया हूँ और देखा है कि छुटकू आज खड़ा हुआ है। माशाल्लाह से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों जल्दी से ना इनको डाइट वगैरह भी डाल देते हैं। ये दोस्तों इधर से डाइट वगैरह पकड़ लेते हैं और पिजन्स को डाल देते हैं। दोस्तों ये देखिए साढ़े के साढ़े कबूतर दाना खाने लग पड़े हैं और छुटकू भी दोस्तों ऊपर से देख रहा है। तो जल्दी से दोस्तों इन सबको भी खोल देते हैं। तो डायमंड की दोस्तों तबीयत भी ना मुझे पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो इसी बात पे दोस्तों हमटी और डमटी दोनों को खोल देते हैं। चलो भाई तुम भी बाहर आ जाओ। और ये देखे दोस्तों हमारे छोटू गैंग कितने ज्यादा बेसब्रे हैं। ये देखे इनसे सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो बस। दोस्तों ये देखिए जो हमने कल मटकियां लगाई थी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और अभी ये चार लगाई हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। जब हमारे पूरे सेटअप पे लग जाएंगी तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेंगी। दोस्तों अभी चेक कर लेते हैं कि चिली मिली ने अंडा दिया है या नहीं। तो जल्दी से दोस्तों इनको चेक कर लेते हैं। इनका लॉक खोला है और ये दोस्तों इधर लगाते हैं और इनको निकालते हैं बाहर। नहीं दोस्तों आज फिलहाल इन्होंने अंडा वगैरह नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों इनको ना डाइट वगैरह डाल देते हैं। दोस्तों मैंने ना डाइट वगैरह डाल दी हुई है और सामने मिली को भी पता नहीं लगा। जल्दी से दोस्तों इसको भी दिखा देते हैं कि डाइट आ गई है। और मिली डाइट आ गई है यार तुम्हारी, अभी तक तुमने देखा ही नहीं है। जल्दी से भागो वो है। ये देखे दोस्तों इसको फिर नहीं पता चला। चले कोई बात नहीं है, खुद ही खा लेंगे। पैट्स तो दोस्तों सारे खुले हुए हैं। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि बकिया नेस्टिंग बॉक्सेस भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर तो दोस्तों लगा दिए, अब कुछ जो है वो इस दीवार पे लगा देते हैं और कुछ नेस्टिंग बॉक्सेस मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इस दीवार पे लगा दें और कुछ जो है वो सामने लगा लें। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा मिनी जो हमारा लगेगा। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया कि ये देखिए एक मैंने बॉक्स इधर रेडी किया है। इसको मैंने ताड़े शाड़े लगा के पूरा रेडी कर दिया। अब दोस्तों इसको ना लगा देते हैं कहीं ना कहीं। और एक दोस्तों वो वाली मटकी भी मैंने ना तैयार कर दी हुई है। और जल्दी से दोस्तों मैं ना ये सारी की सारी मटकियाँ तैयार कर लेता हूँ और फिर दोस्तों हम डिसाइड करते हैं कि इनको हमने कहाँ पे लगाना है। तो फाइनली दोस्तों आधे घंटे की मेहनत के बाद ना हमारे सारे के सारे नेस्टिंग बॉक्सेस जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। जल्दी से दोस्तों अपना डिसाइड करते हैं कि इनको हमने लगाना कहाँ कहाँ पे। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इनको जो है ना इधर भी लगाया जाए, एक दो इधर भी लगा देते हैं और बाकी दोस्तों हम जो है वो सामने लगा देते हैं। तो चलिए लगाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों मैं ना कितने ज़्यादा शोपर वगैरह ले आया हूँ ये देखे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ना इसका क्या करना है। देखिए पहले हम ना इधर इसके ऊपर शोपर रखेंगे। शोपर रखने के बाद दोस्तों फिर हम इधर से ये ऊपर ढक्कन पकड़ेंगे और फिर दोस्तों हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। फिर दोस्तों बारिश भी आएगी तो बारिश का पानी जो है वो मटकी के अंदर नहीं जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों हम ना ये वाले शोपर ना इन मटकियों पे भी लगा देते हैं ताकि दोस्तों जो जंगली परिंदे इनमें ब्रीडिंग करें तो उनके बच्चों या अंडों को कोई नुकसान ना हो बारिश से। तो दोस्तों फाइनली ना हमने इन मटकियों के ऊपर ना शोपर वगैरह लगा दिए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं शोपर। तो दोस्तों अब ना इनकी खूबसूरती और डबल हो गई है। और दूसरा अब इनमें ना दोस्तों बारिश का पानी भी नहीं जा सकता। दोस्तों फाइनली ना आधे घंटे की मेहनत के बाद दोस्तों पहले हमने ये चार लगाई थी और फिर दोस्तों हमने एक बॉक्स ये लगाया और दोस्तों एक मटकी हमने ना ये लगा दिया है। तो दोस्तों इसके ऊपर तो हमने शोपर रख दिया। फिर मेरे जहन में आया कि यार ये वाला बॉक्स भी ना बारिश से खराब हो सकता है। दोस्तों हमने ना इसके पूरे के ऊपर ना जो है शॉपर लगा दिया हुआ है तो अब इसको भी बारिश से ना कुछ भी नहीं हो सकता और ना इसके अंदर पानी जा सकता है। दोस्तों फाइनली से ना चार नेस्ट बॉक्स इधर लगा दिए हैं, दो दोस्तों सामने लगा दिए हैं और दो दोस्तों भी पड़े हुए हैं और एक दोस्त हमने इधर लगा दिया हुआ है। हमने सोचा दोस्तों जब इधर फिंचेस वगैरह नेस्टिंग करेंगी तो नीचे रैबिट हाउस है तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। तो दोस्तों अभी ना सिर्फ ये वाली मटकी रहती है, बाकी दोस्तों हमने सारी की सारी मटकियां लगा दी हैं। वो सामने हमने ना बॉक्स भी लगा दिया हुआ है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सिमट और रेत लेने ताकि हम जो है ना अपने ये वाले केज का काम स्टार्ट कर सकें। दोस्तों ये देखिए मैंने ना इधर भी दो मटकियां लगा दी हुई हैं, एक दोस्तों बॉक्स लगा दिया और एक दोस्तों मटकी लगा दी हुई है। और ये दोस्तों काफी ऊंची लगाई है ताकि इजीली ना कोई भी जंगली परिंदा इधर नेस्टिंग कर सके। तो दोस्तों फाइनली हमने ना साढ़े के साढ़े नेस्टिंग बॉक्सेस लगा दी हैं। ये देखे दोस्तों दो इधर लगाए हैं और दोस्तों तीन हमने वो सामने लगा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जो रैबिट है उसके ऊपर लगाया था ना इधर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा नीचे था। तो दोस्तों कोई जंगली जानवर उसमें नेस्टिंग तो करता नहीं तो वो फजूल था। देखे कितनी प्यारी लग रही है और दो देखे कितनी ज्यादा जबरदस्त लुक आ रही है दोस्तों। और सबसे प्यारे मुझे वो लगे हैं सामने, एक बॉक्स और दो मटकियां। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा मिनी जो हमारा बनने वाला है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी से दोस्तों मैं अपने सारे पैट्स को खोल देता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं गया हुआ था एक चीज
चीज लेने। देखिए दोस्तों मुझे रास्ते में ये मिली तो मैं ये भी ले आया, ये हमारे पिजन्स के लिए है दोस्तों। ये देखिए हमारे पिजन्स के ना अभी भी नेस्टिंग का मैं तो ये जो है उनके डाल देते हैं। आज दोस्तों ने सोचा तो ये था कि आज हम ना इधर ईंटें वगैरह लगा देंगे ताकि हमारा उसका काम स्टार्ट हो जाए उस केज का। लेकिन दोस्तों मसला ये हुआ कि हमारा सारा का सारा जो आज दिन है ना वो इन मटकियों को सीधा पदरा करने में ही लग गया, और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा देर बाद आया हूँ इसको लेकर, काफ़ी दूर गया हुआ था, इसलिए दोस्तों आज सारा का सारा दिन जो है ना हमारा ज़ाया हो चुका है। बाकी हमने इसका नक्शा वगैरह बना लिया हुआ है, बहुत ही हम जो है ना इसको प्यारा बनाने वाले हैं इसको भी, और जो साथ बनेगा उसको भी। जल्दी से दोस्तों हमने इन सबको खोल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने डायमंड को खोलना है क्योंकि डायमंड को हमने जो है ना सुबह भी नहीं खोला था। चलो डायमंड तुम बाहर आ जाओ, इसकी तबीयत पहले से माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखिए पंगे भी करना शुरू हो गया अब तो। और उसके बाद दोस्तों हमने जो है ना वो छोटू गैंग को खोलना है। छोटू गैंग भी तुम भी जो है बाहर आ जाओ जल्दी से। ये देखे दोस्तों कितने ज़्यादा ये भाग रहे हैं, ये देखें इनकी खुशियाँ चेक करें दोस्तों। इनको भी खोल दिया। अब दोस्तों हमारी बारी है जी हम्पटी और डम्पटी की, तुम भी बाहर आ जाओ। उसके बाद दोस्तों फाइनली ना हम जो है चिली मिली को भी खोल देते हैं। चिली मिली को भी दोस्तों हमने खोल दिया हुआ है, आज इन्होंने अंडा वगैरह तो नहीं दिया। चलें दोस्तों सबको खोल दिया, अब आराम से इनको दाना पानी भी कर देते हैं। पूरा दिन गुजर गया दोस्तों और अभी तक दोस्तों हमने ना अपने छुटकों को ही देखना है। और ये देखिए कितना माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, लगता है फीड मांग रहे हैं अपने माँ बाप से। दोस्तों इसको हम पकड़ते हैं और दोस्तों नीचे रखते हैं, देखते हैं कि माशाल्लाह क्या करता है। ये देखिए दोस्तों फीड मांग रहे हैं अपने माँ बाप से। तो दोस्तों ना मारो छुटकू, तुम ऐसा करो तुम ऊपर ही सेफ हो, अपनी माँ के पास रहो, आपस में ध्यान रखना एक दूसरे का। पराली लाने के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ चुका है। दोस्तों इतनी एक्स्ट्रा पराली हमने इसलिए रखी है ताकि दोस्तों हमने ना इसके ऊपर चार बॉक्सेस और लगाने हैं, तो दोस्तों इसमें से ही पकड़ के फिर उन बॉक्सेज में रख देंगे। क्योंकि एक दो दिन तक दोस्तों हमने पेट मार्केट जाना है और उधर से हम ना खूबसूरत से पिजन लाएंगे। पेट्स दोस्तों खुले हुए हैं और दोस्तों हमने ना पिजन्स के केज की सारी सफाई कर दी हुई है। ये देखें जितनी भी नेस्टिंग फालतू थी ना सारी उठा दी, और छुटकू देखें कैसे देख रहा है। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, सब परिंदों को बंद करते हैं और अंदर इनको डाइट वगैरह दे देते हैं। कल इंशाल्लाह हम ना इसका काम भी स्टार्ट करेंगे। कल वाली वीडियो दोस्तों आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी क्योंकि कल दोस्तों हम अपनी बर्ड सफारी का काम स्टार्ट करेंगे और दोस्तों फिर हम ना इसमें प्यारे प्यारे से परिंदे लाकर इसको भर देंगे, तो परसों हमारी सफारी जो है बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगी। तो चलो चलो जल्दी से अंदर जाने की तैयारियां पकड़ लो तुम लोग भी। आपको दोस्तों डाइट वगैरह हमने डाल दी है, ये देखे बाल्टी भी ऊपर पड़ी हुई है, सब आराम से बैठे हैं और ये देखे शाम हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे इस चैनल विलेज बर्ड फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।